अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो 22 अक्टूबर 2020 को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पंजाब पुलिस में आने वाली सब इंस्पेक्टर जॉब्स के मुतालिक है, जिनमें अब मज़ीद 494 सीटों का इजाफा कर दिया गया है, जिससे टोटल सीट्स 839 हो गई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर 2021 है। इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए बेहतरीन और सुनहरी मौका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को इस्तेमाल करके किस तरह बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं इंटरनेट कैफेज और बहुत ज़्यादा खर्चा किए बगैर। अप्लाई के बाद टेस्ट प्रिपरेशन, सिलेबस अपडेट्स वगैरह के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बिला ताखीर आप तक पहुंच सकें। अब आते हैं ऐड की तरफ। सब इंस्पेक्टर जॉब्स का ये ऐड 2020 में एक्सप्रेस न्यूज़ और द नेशन में शाया हुआ था, जिसके बाद इनके टेस्ट वगैरह नहीं हुए थे। 345 टोटल सीट्स थी जो अनाउंस हुई थी, उसके बाद अब इनमें 494 पोस्ट मज़ीद ऐड हुई हैं, जिसकी वजह से अभी जो टोटल सीट्स हैं वो 839 हैं। इसी तरह अगर एडवर्टाइजमेंट में बात करें मुख्तलिफ रीजन में सीट्स की, तो लाहौर में 206 सीट्स हैं, रावलपिंडी 144 144 सीटें हैं, उसके अलावा फैसलाबाद डिवीजन मतलब इंक्लूडिंग मिनॉरिटीज़ ओपन मेरिट फीमेल तमाम टोटल मिला के टोटल 110 सीट्स हैं, और इसी तरह डी जी खान जो है इसकी 38 सीट्स हैं, 38 टोटल सीट्स हैं डेरा गाजी खान की। इसके अलावा बाकी तमाम डिवीजन्स की जो पोस्ट हैं उनकी डिटेल भी एडवर्टाइजमेंट में दी गई है, आप अपने कंसर्न जो डिवीजन है उसकी डिटेल उसमें देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से भरपूर है। ख़ास तौर पर हमारे फेसबुक पेज पर बार बार और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। पहला सवाल जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि कौन अप्लाई नहीं कर सकता या अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप ओवर एज हैं या अंडर एज हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपने 3 चांसेस आपने अवेल कर लिए या 3 दफ़ा फेल हो चुके हैं तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो थर्ड थिंग है वो ये है कि ये सीट्स क्योंकि 2020 में अनाउंस हुई थी, अगर उस टाइम आपने अप्लाई किया था तो अभी आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड वन इज़ उम्र की हद क्या है, एज रिलैक्सेशन है या नहीं है। तो इसमें बड़ा क्लियर सी बात है और मैसेज है कि उम्र की हद जो है वो 20 से 25 साल है और इसमें किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं है। चाहे एक प्राइवेट बंदा अप्लाई कर रहा है या कोई गवर्नमेंट जो सर्वेंट है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, किसी के लिए भी एक दिन भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। PPSC की जानब से बड़ा वाज़ह सा नोटिफिकेशन है जो आप अप्लाई करते हुए देखेंगे कि नो रिलैक्सेशन इन एज एजुकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड शैल बी अलाउड। पंजाब सिविल सर्वेंट्स रिक्रूटमेंट रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट रूल्स 1976 आर नॉट एप्लीकेबल इन पुलिस डिपार्टमेंट। कि पंजाब का जो अपर एज लिमिट का रूल है वो पंजाब पुलिस में लागू नहीं होता जी। तो नेक्स्ट चीज़ है कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है और आखिरी तारीख से पहले बनवाना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो आपके जो कंसर्न DHQ है वहाँ से बनेगा, और बिल्कुल ये अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले बनवाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं बनवाते या बाद में बनवाते हैं तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा इसकी बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर अप्लाई हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि वैक्सीन लगवाना और नादरा से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बगैर ना अप्लाई हो सकता है ना आप टेस्ट या इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं जी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि अप्लाई के दौरान मतलब जो पिक्स ज़रूरी हैं अपलोड करनी, जैसा कि पासपोर्ट साइज तस्वीर है, उसके अलावा CNIC की तस्वीर है, चालान की तस्वीर है, तो वो अपलोड क्यों नहीं होती। तो उसका जवाब ये है कि आपकी जो वो पिक है वो 25 KB से लेस होनी चाहिए, ठीक है। लेस देन 25 KB होगी तो वो अपलोड हो जाएगी। तो उसे रिसाइज करने के लिए गूगल स्टोर पे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जिससे आप अपनी
उस तस्वीर को रिसाइज कर सकते हैं। या उसके अलावा एक पाकिस्तानी जुगाड़ ये है कि तस्वीर को नीचे रख के अगर ऊपर थोड़ा दूर से तस्वीर बनाएंगे, उसके बाद उसे क्रॉप करेंगे तो वो लेस देन 25K भी हो जाएगी, उसके बाद बड़ी आसानी से आप उसे अपलोड कर सकते हैं। वो कैंडिडेट्स जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो उनको बताता चलूं कि अप्लाई करने से पहले आपने इन पोस्ट की जो फीस है जो कि 600 है, आपने नेशनल बैंक में पे करनी है। उसके लिए कुछ इस तरह का चलान फॉर्म होगा जो कि आपको किसी भी फोटो स्टेट शॉप से मिल सकता है। इसके अलावा आप PPSC की वेबसाइट से खुद भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे फिल किस तरह करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसकी 3 परतें होंगी, ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट। इन तीनों को आपने सेम तरीका से फिल कर लेना है। लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो सबसे पहले जो है नेम ऑफ कैंडिडेट्स, इसमें आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है इसे आपने खाली छोड़ देना है, इसे फिल करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद है एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट ऑफ, इसके नीचे आप लिखेंगे सब इंस्पेक्टर BS14, आगे आप अपना रीजन भी लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है केस नंबर, केस नंबर तमाम रीजन्स के मुख्तलिफ हैं। जैसे अगर फैसलाबाद रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आएगा 75G2020, मतलब 75G2020। उसके बाद नीचे है अमाउंट इन रुपीज़, तो वहाँ आप 600 लिख देंगे। उसके अलावा नीचे 600 रुपीज़ ओनली, मतलब उसे इस तरह लिख के उसके बाद अपने सिग्नेचर कर देने, इस तरह आपका जो चलान है वो फिल हो गया। उसके बाद नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में आपने जाके ये पे कर देना है, तो वहाँ से जो आपको रसीद मिलेगी वो आपने संभाल के रख लेनी है। अब आ जाते हैं ऑनलाइन अप्लाई की तरफ। तो एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अप्लाई करने से पहले, जिनमें सबसे पहले है 600 जो जमा शुदा आपका होगा चालान, उसकी रसीद। उसके अलावा आप अपने DHQ से जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और VN वगैरह मेंशन होंगी। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है आपका नादरा से हासिल करदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी उम्र और जो एजुकेशन है, जो कि मतलब ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, वो अगर हैं तो उसके बाद आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब अपने मोबाइल से जो अप्लाई करने के स्टेप्स हैं वो शॉर्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो अप्लाई करने के लिए आपने अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउज़र में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट खोल लेनी है। तो टॉप राइट कॉर्नर में ये जो 3 डॉट्स हैं इन पर क्लिक करना है। उन 3 नुकतों पर क्लिक करने से आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें से आपने डेस्कटॉप साइट को चेक कर लेना है। इससे PPSC का जो पेज है वो पूरा ओपन होगा, जिस तरह किसी कंप्यूटर या लैपटॉप पे आप अप्लाई करते हुए देखते हैं, और इस तरह आप आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, जिससे इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, जिसमें से आपने अपनी कंसर्न जो पोस्ट है और रीजन है उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कर रहे हैं फैसलाबाद रीजन के लिए, तो जहाँ पे सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट फैसलाबाद रीजन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने ये पॉलिसी ओपन होगी जिस पे आपने आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद ओपन होंगी पोस्ट डिटेल्स, जिस तरह के मतलब ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उसके बाद अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट जो है वो 20 से 25 साल है, और मेल का जो है वो हाइट क्या होनी चाहिए, 5 फीट 7 इंचेस। उसके अलावा चेस्ट जो है वो 33 35 होना ज़रूरी है, जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट में मेंशन होंगी। उसके अलावा फीमेल की जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंचेस होनी चाहिए। उसके बाद आप फिलअप फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आएंगी, जिनको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसको चेक करके कुछ लम्हे बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का, आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इनिशियल इन्फॉर्मेशन में आप CNIC आपका जो नंबर है वो विद डैशेस लिखेंगे। उसके बाद नीचे जो है वो विदाउट डैशेस लिखेंगे, मतलब उसमें CNIC में आपने डैशेस नहीं डालने। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है आपका, आपने वो डालना है जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में तब्दील ना हुआ हो। उसके बाद टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर, आपने इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आपने जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा।
उसके बाद नीचे जो तीन कॉलम्स हैं इसको चेक करके यस या नो कर लेना है। उसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसका नंबर लिखना है और वैक्सीनेशन जो स्टेटस है वो लिखना है कि अगर आपने लगवा लिया है तो वो फुली वैक्सीनेटेड आएगा। उसके बाद अंडरटेकिंग है, इसको चेक करना है और नीचे क्लिक कर देना है फर्दर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अप्लाई करने के लिए ये लास्ट स्टेप है जो कि आपकी पूरी प्रोफाइल है। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं अपलोड पिक्चर का ऑप्शन है, उसके ऊपर जो है चूज़ फाइल, आप वहाँ से जाके अपनी जो पासपोर्ट साइज तस्वीर है जो 25 KB से कम होनी चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ अपलोड पिक्चर पे क्लिक कर देंगे तो वो आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पे अपलोड होगी और शो होगी। उसके बाद राइट साइड पे अपलोड CNIC पिक है, आप वहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, जाके अपनी जो CNIC पिक है जो 25 KB से कम होनी चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेंगे और अपलोड CNIC पिक पर क्लिक कर देंगे जिससे वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद है नीचे रेसिडेंट इंफॉर्मेशन स्टेटस, जिसमें जाके आप रसीद जो आपकी चालान जमा शुदा है उसकी तस्वीर और जो सारा डाटा है वो एंटर करेंगे। उसके बाद पर्सनल रिकॉर्ड स्टेटस है, इसके सामने दिए गए ऑप्शंस में जाना है, ऐड में जाना है और वो सारा एंटर करना है। उसके बाद एजुकेशन रिकॉर्ड स्टेटस है, जिसमें अपनी डिग्रीज़ और नंबर्स हैं वो एंटर करेंगे। सेकेंड लास्ट जो है वो है एक्सपीरियंस स्टेटस, अगर एप्लीकेबल है तो ऐड में जाना है, अदरवाइज इसे नॉट एप्लीकेबल कर देना है। लास्ट पे आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड, जो कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उसमें मेंशन्ड होगा, उसमें आपकी हाइट, चेस्ट और VN वगैरह का जो डाटा है वो इसमें एंटर कर देना है। जब ये आपका सारा डाटा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा तो एप्लीकेशन स्टेटस ओके हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट पे एप्लीकेशन सबमिशन का ऑप्शन है, मतलब सबमिट एप्लीकेशन, आपने इस पर क्लिक कर देना है जिससे आपके मुहैया करदा जो ईमेल एड्रेस है और आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर PPSC की जानिब से एक मैसेज आ जाएगा, यू हैव सबमिटेड एप्लीकेशन सक्सेसफुली। इसके अलावा आपको टोकन नंबर और एप्लीकेशन नंबर भी रिसीव होंगे, जिनकी मदद से आप अगर अप्लाई के दौरान डाटा में कोई गलती हो गई हो तो लास्ट डेट से कबल आप एडिट एप्लीकेशन में जाकर दुरुस्त करके अपडेट कर सकते हैं। इस तरह एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश की है आपके तमाम सवालों के जवाब दे सकूँ, फिर भी अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है टेस्ट की तैयारी, उसके लिए आप चैनल पर मौजूद तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोस देख सकते हैं। तैयारी के लिए मज़ीद इंतज़ार ना करें, आपको कम वक्त में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। दुआ है कि आप तमाम कामयाब हों, अल्लाह पे भरोसा रखें और शब रोज़ मेहनत शुरू कर दें। एंड वेरी बेस्ट विशेज़ फ्राम माइन साइड, अल्लाह हाफिज़।